हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो दाम मोबाइल ऐप की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं वीओ के नए फोन के बारे में, जिसका हाईलाइट है उसका कैमरा, वो है 108 मेगापिक्सल का। फोन का नाम क्या है? फोन का नाम है वीवो V23 Pro। और आज मैं आपको इसी फोन के बारे में बताने वाला हूँ। इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कैमरा कैसा है, प्रोसेसर कैसा है, बैटरी कैसी है और चार्जर कैसा है। चार्जर काफी अच्छा है, तो स्टार्ट करते हैं फोन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन का जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.56 इंचेस का फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जो व्यू एंगल इस डिस्प्ले पे मिलेंगे आपको काफी अच्छे दिखाई देने वाले हैं। जो फोन की सबसे एक अच्छी चीज मेरे को क्या लगी है, इसका वेट बहुत कम है। वेट 170 से 175 ग्राम के आसपास होने वाला है, जितना मैंने देखा 172-173 ग्राम है, जिससे फोन आपको काफी लाइट वेट मिलेगा। और फोन की एक और अच्छी चीज है, जो फोन बहुत पतला है, 7.6 mm का है। अगर आपको फोन में दो सिम यूज करना पसंद है तो इसके लिए भी फोन में आपको दिया गया है दो सिम डालने का जुगाड़, वो है ड्यूअल नैनो सिम सपोर्ट। यहाँ पे आपको हाइब्रिड नहीं मिलेगा, ना ही आपको डेडिकेटेड मिलेगा। इसमें आपको मिलने वाला है ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट, जिसमें आपके दो नैनो सिम स्लॉट डाल सकते हो। टीपू केस भी फोन के साथ आने वाला है और ये काफी अच्छी क्वालिटी का है। जो आपका फोन गिरेगा तो ये फोन को बचा लेगा। फोन की प्रोटेक्शन के बारे में बताऊँ तो प्रोटेक्शन के बारे में अभी कंपनी ने कोई कन्फर्म नहीं किया, तो मैं अगर मैं बताऊँ तो काफी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। 4-5 गोरिल्ला ग्लास आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इतना प्राइस होने वाला है। अब हम बात करेंगे आपका चांदा चेहरा चमकाने वाली चीज यानी कैमरा के बारे में। कैमरा का पार्ट इसका काफी हाईलाइट किया गया है। इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट, पहला प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का। अगर फोन की फोटोज की जो डिटेल बताऊं, मैंने जितना यूट्यूब पे देखा, क्योंकि मेरे पास तो अभी फोन आते नहीं है, तो जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है, काफी फोन की जो क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी काफी ठीक है, डिटेलिंग भी काफी अच्छी दी गई, कलर रेशियो भी काफी अच्छा है, और जो शार्पनेस है फोटोज में वो भी काफी ठीक है। जूम करके भी अगर आप देखना चाहो तो काफी अच्छा दिखाई देगा, और मैक्रो शॉट्स भी काफी अच्छे ले रहा है। दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और ये वाइड एंगल कैमरा होने वाला है। और तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, एक मैक्रो लेंस सेल्फी कैमरा। इस फोन में काफी अच्छा पार्ट दिया गया है, ड्यूअल सेल्फी कैमरा मिलेगा, वो भी सेल्फी लाइट के साथ। अंधेरे में भी आप अपनी वीडियो भी बना सकते हो और सेल्फी भी ले सकते हो, और वो काफी अच्छी क्वालिटी की आ जाएंगी। तो ट्रस्ट में काफी आपका सेल्फी कैमरा भी काफी अच्छा होने वाला है। अगर सेल्फी कैमरा के डिटेल्स के बारे में बताऊं तो सेल्फी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, तो आपका चेहरा एकदम चमकता हुआ आने वाला है, तो सेल्फी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। फोन का कैमरा पार्ट ठीक है, हाई डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा मैं, तो फोन का कैमरा पार्ट ठीक है, आपकी फोटो काफी सेटिस्फाई आएंगे। अब हम बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर इसमें मिलेगा आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200, जो कि काफी नया लेटेस्ट प्रोसेसर है और एक 5G प्रोसेसर है। यह फोन दो वेरिएंट में आता है, पहला वेरिएंट है 8GB 128, दूसरा है 12256। अगर फोन के आपको एक ही डिटेल चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से जाके आप हर डिटेल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और ये हमारी वेबसाइट है। अगर रैम टाइप के बारे में बताऊँ तो इसमें LPDDR4X का रैम टाइप मिलेगा, और वहीं पर स्टोरेज टाइप है UFS 3.1, जो इसका मैं फन। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा फन टच OS 12, और ये एंड्रॉइड 12 पर चलता हुआ मिल रहा है। लेटेस्ट एंड्रॉइड इसमें आपको मिल जाएगा, और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊं तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर काफी अच्छा है, पावरफुल गेमिंग देने वाला है, क्योंकि इसका अंततः स्कोर होने वाला है 600,000 के आसपास, जो कि काफी हाई एंड गेमिंग आप बड़े लंबे टाइम तक कर पाओगे। अगर बैटरी बैकअप के बारे में बताऊँ तो बैटरी बैकअप इसका ठीक ही होने वाला है, क्योंकि तो हल्का फ़ोन है तो बैटरी भी कम देंगे, सो नॉर्मल सी बात है। तो लेकिन बैटरी के चार्जर दिया गया वो काफ़ी अच्छा है, 44 वोल्ट का चार्जर, और जो बैटरी दी गई है वो 4300 mAh की है, तो ओवरऑल बैटरी काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी। अगर फ़ोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करूँ तो एक्स्ट्रा फीचर्स काफ़ी इसमें आपको लोडेड मिलने वाले हैं, ज़्यादा भी नहीं है ऐसे लोडेड, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली फीचर है। 5G का सपोर्ट इसमें आपको मिल ही रहा है, क्योंकि 5G प्रोसेसर है, तो नॉर्मल सी बात है 5G आने वाला है। 7 बैंड इसमें आपको मिलेंगे, ड्यूअल वोल्टेज तो अब नॉर्मल हो गया है, 1200 का फोन ले रहे हो तो ड्यूअल वोल्टेज मिल रहा है। वाइड वन L1 का सपोर्ट भी इसमें मिलना लाजमी है, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई कॉलिंग, ये सब नॉर्मल चीज़ें इसमें आपको मिल ही जाएंगी। FM रेडियो और NFSC इसमें नहीं मिलने वाला है, तो ऑनलाइन FM प्ले करना पड़ेगा, या फिर विंक ऐप, म्यूजिक ऐप, यूट्यूब म्यूजिक से गाने बजाएं, या अमेजन प्राइम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी जेब डिलीट करने वाली चीज़ यानी कि रोकने के बारे में बात करो तो इस फोन का प्राइस होने वाला है लगभग, जितना मैंने US मार्केट में देखा, इसका प्राइस है 38,000 प्राइस के आसपास मे बी। और 38,000 के आसपास फ़ोन का प्राइस थोड़ा हाई लग रहा है मुझे, तो बाकी आपकी मर्जी है। फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशन वगैरह देखना चाहोगे तो काफ़ी ठीक है, इस प्राइस में आपको और भी स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी दूसरी कंपनियों की तरफ जाओगे तो, लेकिन इस फ़ोन में आपको काफ़ी चीज़ अच्छी ठीक मिल रही है। प्राइस थोड़ा और कम होता तो और चीज़ होती, लेकिन मैं प्राइस आप अपने हिसाब से देखें, मुझे थोड़ा हाई ज़्यादा लग रहा है, लेकिन
फीचर्स काफ़ी ठीक मिल रहे हैं इसमें आपको, कैमरा, गेमिंग पार्ट, फ़ोन की परफॉर्मेंस सब चीज़ें और डिस्प्ले वगैरह सब चीज़ें अच्छी, और प्रीमियम लुक आपको आराम से मिलने वाले क्योंकि फ़ोन का वेट काफ़ी कम है और एक कर्व डिस्प्ले इसमें आपको मिलने वाला है। फ़ोन की